एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू कटारियास इंडियन किचन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की बेकिंग क्लास में मैं आपके लिए मजेदार चॉकलेट कुकीज की रेसिपी लेके आई हूँ। इसमें बढ़िया सा चॉकलेट फील होगा, अंदर एकदम टेस्टी बनती है कुकीज और आपको खा के बहुत ही मजा आने वाला है इस कुकीज को। अगर आप चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो ये कुकीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। जरूर से ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। साथ ही हम इसे बिना किसी अंडे का यूज करके बनाएंगे, तो जरूर से बनाइए और बहुत ही झटपट बन जाते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चॉकलेट की फीलिंग बनाने के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर ये 50 ग्राम डार्क चॉकलेट। तो मैंने यहाँ पे डार्क कंपाउंड का यूज किया है, आप कोई भी डार्क चॉकलेट यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून हम दूध डाल देंगे यहाँ पर। तो गरम दूध का इस्तेमाल किया है मैंने, 1 टेबलस्पून डाल दिया है। दूध हम इसमें गरम डालेंगे तो चॉकलेट हमारी बिल्कुल आसानी से मेल्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से बढ़िया से हम यहाँ पे चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। और जैसे ही चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए, और अब हम इसे 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में थोड़ा सा सेट कर लेंगे। और यहाँ पर अब ले लेते हैं हम यहाँ पर 1/3 यानी 1/3 कप बटर। तो मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर लिया है। बटर जो इस्तेमाल करें वो सॉफ्ट होना चाहिए। बटर के साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 कप यहाँ पे पाउडर चीनी। नॉर्मल चीनी को मिक्सी जार में मैंने पीस के इसमें इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं यहाँ पर। अब इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से बीट करना होगा लगभग 2 मिनट के लिए, ताकि एकदम फ्लफी और ये क्रीमी मिक्सचर हमारा तैयार हो। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करेंगे और 2 मिनट के लिए अच्छे से इसे मीडियम स्पीड पर बीट कर लेंगे। इसे बीट करने के लिए अगारो ब्रांड का ये इलेक्ट्रिक बीटर मैं इस्तेमाल करी हूँ। काफ़ी अफोर्डेबल ये बीटर है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इसकी परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप ज़रूर से उसे चेक कर सकते हैं। तो बटर और चीनी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बढ़िया से मैंने बीट कर लिया। इसका कलर भी चेंज हो गया और एकदम क्रीमी और फ्लफी मिक्सचर तैयार हो गया है। इसके ऊपर अब एक छन्नी रखेंगे और इसमें डालेंगे 3/4 कप यहाँ पर मैदा, यानी 3/4 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। 1/4 कप हम यहाँ पे कोको पाउडर इस्तेमाल करेंगे, अनस्वीटेंड कोको पाउडर का यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। 1/2 टीस्पून यहाँ पर हम इसमें डाल देते हैं बेकिंग पाउडर, और इसी के साथ हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा हम यहाँ पे 1/8 टीस्पून यानी 1/4 जो टीस्पून होता है उसका भी आधा हम यहाँ पे इस्तेमाल करना है। सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे और अब यहाँ पर स्पैचुला से पहले हम इसे इस तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो इस मिक्स में दूध की वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती है, इनकेस अगर आपका जो मैदा है उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड होता है। तो अगर आपको जरूरत लगे तो इसमें आप 1 से 2 टीस्पून दूध का इस्तेमाल करके इस डो को बना सकते हैं। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और फिर अपने हाथों से कुछ इस तरीके से हम इसे डो जैसा बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। डो हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है, इसे साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर जो हमने चॉकलेट को मेल्ट करके फ्रिज में सेट होने के लिए रखा था, ये भी अच्छे से सेट हो गया है। तो इसमें से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेकर अपने हाथों पे कुछ इस तरीके से चॉकलेट की ये बॉल्स बनाकर साइड में रख देंगे। और यहाँ पर हमारा कुकीज़ बनाने के लिए डो भी बिल्कुल तैयार है। इसमें से हम थोड़ा सा ये पोर्शन ले लेंगे, छोटी या बड़ी साइज़ के कुकीज़ आप बना सकते हैं। थोड़ा सा इसे फ्लैट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और बीच में हमने जो चॉकलेट की बॉल्स बनाई है उसे रख देंगे और इस तरीके से कुकीज़ वाले मिक्सचर से इसे कवर कर लेंगे। और यहाँ पर हम सारी कुकीज़ को बिल्कुल इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से बड़े साइज में कुकीज़ को तैयार किया है, आप चाहें तो बिल्कुल छोटे छोटे कुकीज़ भी बना सकते हैं। तो सारे कुकीज़ हम इसी तरीके से बनाकर यहाँ पे सेट कर लेंगे। एक यहाँ पे बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगाकर कुछ डिस्टेंस पे मैंने कुकीज़ को सेट किया है, बाकी की कुकीज़ भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। अब कुकीज़ को बेक करने के लिए हम यहाँ पे OTG या फिर अवन को पहले से प्री हीट कर लेंगे। 170 डिग्री पर ही इसे प्री हीट करेंगे। तो सेम यहाँ पर 170 डिग्री सेल्सियस पर ही हम इसे बेक भी करेंगे। 18 मिनट का हम टाइमर लगा देंगे। यहाँ पे 15 से 18 मिनट में आपकी कुकीज़ बिल्कुल बढ़िया से बेक होकर तैयार हो जाती हैं। तो इसे मैंने यहाँ पे सेट कर लिया और इसे बढ़िया से बेक होने देंगे। यहाँ पर मैं OTG जो इस्तेमाल कर रही हूँ, अगारो ब्रांड का ग्रैंड 40 लीटर का OTG है। काफ़ी अमेजिंग सा ये OTG है। साथ ही इसमें आप बेकिंग, ग्रिलिंग, टोस्टिंग सारी चीज़ें एक ही OTG में कर सकते हैं। इसकी परचेज लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही इसकी एक डिटेल वीडियो भी मैंने शेयर की है, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सारी कुकीज़ हमारी अच्छे से बेक होकर तैयार हो चुकी हैं। इसे वायर रैक पर निकाल कर कुछ इस तरीके से ठंडा कर लेंगे, और जब पूरी तरह से हमारी कुकीज़ ठंडी हो जाए तो फिर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारी कुकीज़ बेक होकर तैयार हुई हैं। अंदर से अगर आप इसका टेक्सचर देखें तो इतना बढ़िया सा इसमें ये चॉकलेट जो हमने फील किया है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बहुत ही टेस्टी कुकीज़ बनती हैं अगर आप इसे इस तरीके से बनाते हैं। टेस्ट काफ़ी अमेजिंग है, ज़रूर से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। साथ ही एगलेस है तो आप बढ़िया से इसे बना सकते हैं, ज़रूर से बनाइए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।